नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 147,000 शिक्षा मित्रों के विषय में और शासन स्तर पर जो चल रही है प्रक्रिया उसके बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के संबंध में, इनका जो मानदेय वृद्धि है वो कब तक होगी और मूल विद्यालय वापसी का आदेश लागू कब तक हो जाएगा। इसके अलावा जो MLC हैं श्री चंद शर्मा जी ने कल मुलाकात की है लखनऊ में विधान भवन में माननीय सभापति के निर्देशन में, तो वो पूरी खबर हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ देखेंगे कौन कौन से बिंदुओं पर कल बैठक में चर्चा हुई थी। यहाँ श्री चंद शर्मा जी ने बताया कि आज लखनऊ विधान भवन में माननीय सभापति जी के निर्देशन में माननीय नेता सदन विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में आयोजित वैश्विक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में माननीय शिक्षक एवं स्नातक विधायक गणों के साथ सम्मिलित होकर वैश्विक माध्यमिक उच्च शिक्षा के निम्न विषय को रखा गया। यहाँ पहला जो बिंदु है तदर्थ शिक्षक, इनका जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है, के विषय में विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि कोर्ट के निर्देश के आलोक में निर्णय लिया जा रहा है, जो जल्द ही मान्य समिति को अवगत करा दिया जाएगा। अब वो बात करते हैं सेकेंड जो शिक्षा मित्रों की है। यहाँ देखा जाए तो 5 सितंबर 2024 के बाद सभी आम शिक्षा मित्र वेट कर रहे हैं कि उनकी कौन कौन सी मांगें पूरी हो सकती हैं, मानदेय वृद्धि हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे, नंबर 2 पॉइंट उन्होंने लिखा है कि शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय समायोजन विकल्प देने पर सहमति बन गई है, जल्दी ही इसके दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे, अर्थात इसका जो GU है वो जल्दी ही जारी हो जाएगा। और ऐसे शिक्षा मित्र जो अपने विद्यालय में पहुँचने में उन्हें 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो अपने मूल विद्यालय में वापस आ सकते हैं। और इसके बाद इसमें यह भी संशोधन होगा कि जो महिलाएं अपने गृह जनपद में तैनात हैं वो अपने ससुराल वाले जनपद में पहुंच सकती हैं। तो ऐसा यहां पर सुनने में आया है। इसके अलावा मानदेय वृद्धि को लेकर जिसका सभी शिक्षा मित्रों को इंतजार है कि उनका जो मानदेय है वो बढ़ जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है, तो इस विषय में क्या उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय हित समिति गठन के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आज फिर समिति जो है गठन होगी, बार बार समिति गठन होती है लेकिन उसका परिणाम आज तक कोई भी नहीं निकल के आता है। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानदेय को लेकर क्या हो सकता है। और ये समिति जो है 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, साथ ही अनुदेशकों के मानदेय की वृद्धि में भर समिति विचार करेगी। ठीक है, तो यहाँ जो अनुदेशक हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, उनने भी धरना प्रदर्शन किया था और काफ़ी समय तक बरसात में जमे रहे थे, तो उनको भी एक आश्वासन मिला था। तो कहीं जाके अब समिति बनेगी और इनके जो मानदेय वृद्धि पर विचार करेगी। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों और शिक्षा मित्र विषय विशेषक आदि की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। तो ये चर्चा हुई मात्र कल की मीटिंग में। और इसके बाद विद्यालय के बारे में देख लेंगे थोड़ा। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों में प्ले ग्रुप की मान्यता दिए जाने की भी मांग अब हम सब ने की, जिस पर जानकारी दी गई कि अभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कि प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हैं उनमें बाल वाटिका के नाम से कक्षा संचालित किए जाने की योजना बनाई जा रही है, अन्य विद्यालयों के लिए मान्यता को भी नीति बनाई जाएगी। अगले देखेंगे वैसे के शिक्षकों का जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है, नीति भी बनाने के निर्देश नेता सदन को के द्वारा दिए गए हैं। अब अगली खबर देखेंगे वैसे के शिक्षकों की अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति भी बनाने के निर्देश नेता सदन जी द्वारा दिए गए हैं। एक बहुत चर्चित मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती लेकर, जो कोर्ट में पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। इसकी सुनवाई शायद कल 23 सितंबर 2024 के लिए पहले से निर्धारित की गई है। तो यहां देखेंगे 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाले विषय पर कोर्ट के निर्देश की प्रतीक्षा की जा रही है, आज जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे लागू कर दिए जाएंगे। नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे जो उन्होंने बिंदु रखे हैं, संस्कृत विद्यालयों की मान्यता है जमीन की उपलब्धता लीज डीड होने पर भी मान्यता दिए जाने के प्रावधान किए जाने का निर्देश हुए हैं। वहीं वित्तविहीन शिक्षकों के अनुभव को भी प्रिंसिपल चयन में मान्य किए जाने
के लिए नीति बनाने का तय हुआ है। और इसके बाद इनका जो नवा पॉइंट है वो यहाँ देख लेते हैं, परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में कई अनियमितता नहीं हो इसके लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और राजकीय विद्यालयों में 12,000 शिक्षकों के चयन है तथा चयन किया हुआ है जिस पर जल्दी कार्रवाई चयन आयोग द्वारा की जाएगी। तो और इसके अलावा 11वां जो पॉइंट है इनका वो है, पुरानी मान्यता प्राप्त यूपी बोर्ड के विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग की मान्यता हेतु वर्तमान भूमि की उपलब्धता के मानकों में स्थितिकरण के विषय में विचार करने को कहा गया है। वहीं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन हेतु नीति बनाई जा रही है। तो ये जो है खबरें हैं। इसके अलावा जो शिक्षा मित्रों के विषय में बात की जाए तो एक बार पुनः वही समिति का जो है गेम स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं ये समिति कब रिपोर्ट देती है। इससे पहले भी कई बार समितियाँ बन चुकी हैं लेकिन आज तक उनका कोई रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आया है। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।